नमस्ते साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी गरीब भूमिहीन मुसहर परिवारों को आवासीय पट्टा आवंटन करने का प्रावधान बनाया है, परंतु आइए आपको दिखाते हैं कि वाराणसी जनपद के सेवापुरी ब्लॉक के जनसा गांव के 26 मुसहर परिवारों का आज तक आवासीय पट्टा आवंटन नहीं हुआ है, जिस कारण इन 26 परिवारों को तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। दिक्कत नहीं है, हमने बहुत दिन से बसल बाहर, दिक्कत तो बहुत बा, बहुत दिन से बसल बाहर, कौन कुछ फरियाद यहाँ नहीं बा, जमीन नहीं बा, ये जमीन के लफड़ा में कुछ हमारे लोग का बनत नहीं बा, न घर बनत बा, न शौचालय बनत बा, न चक्रोड देत बाहिन, न पैखाना देत बाहिन, हम लोग कितना दिक्कत हो रहा है बरसात में निकलने बैठने के, खाने नहाने के, एक को दूर से जेल ना आई बार के पहले तू बोआ जो था रहे के तो बहुत दूर बा, रहे के दिल में इतना कुछ जितना अच्छी आई भी आई एक लेड़ा पैदा करा उतना वही कम एक कम एक कर रहा है, एक घर में 25 आदमी पैदा है, एक घर में रहा है, बहुत दिक्कत बा, अरे घर ना आई बा, दस दस परिवार लेके एक झोपड़ी रख रख कर परिवार लेके बाही का करी, जब जमीनिए ना आई बा तो कहाँ कहाँ बनावल जाए, आ जहाँ बनावल जाए फूकी जार दे बाहिन, अब पर साल के परिवार हो दीदी, आ तीन लोग तीन मरई हमारे लोग के फूक दिए पटेल सब मिल के, काहे फूक देना, यह कहे हमार जमीन है, यह से मरई मत रखो हटाओ, यही घर भी कहते हैं कि हमारे लोग के जमीन में है, घर द्वार हेरे तो बान बिरादर, हम लोग बिया नहीं होता, हम लोग बिटिया बैठ कर रू जाता है, घर नहीं बैठ के टूटाई फूटाई घर में कमी लग बिया बैठा नहीं आई, दूठे कैले बा एक दूठे दू जा बोला जमीन में बैठे ना बा, इतना ये जमीन बा यही बदल आई होत बा, वैसे में तो कर्ज मान पटेल लोग कर्ज ना पड़े से अहिया बिला कर कर्ज ना पाने को कतला हमार बा कतला हमार बा, यही में कुछ बनत ना आई बा, जमीन अपने अपने नाम कराओ बदे का प्रयास करेंगे, बहुत प्रयास करे गए, चले गए लखनऊ तक, बनारस चले गए, रजा तलाव तहसील गए, हमारा लोग का नाव नहीं होत बा, काहे ना होता, यहाँ का पटेल लोग कर ही ना देते, ना चढ़ ही ना देते हैं, कहते हमारा लोग का है, लेखपाल कानी गोह के दाब देते हैं, अपने हर में कह लेते हैं, अधिकारी के पास गई ली भैया बाबू कह ली हाथ गोड़ पकड़ ली हाँ जोड़ ली, जब हाथ हाथ जोड़ ली तो हमारे अधिकारी कान कदर कैल कुछ नहीं कैल, कहना कि जा घर बैठा चला शांति बना के रहा, धीरे धीरे बात हो गई, अब धीरे धीरे के मतलब कि जिंदगी चल जात बा, होता है बा कब सुनवाई ना आई भाई, तब कहे आगे कौन मैंने बात कर जब कहाँ जाए, हम लोग के चाहते ही है कि घर द्वार जमीन जगह हम सब के दो चार बिस्सा मिल जाए, हमारे लोग का छठ छठ परिवार है, घर बनाई द्वार बनाई न बोई जो चीज घर द्वार बना के परिवार को सुरक्षित लेकर रही। मैंने इस समस्या पर एक वीडियो बनाई और वीडियो को बनाने के बाद समुदाय के साथ मीटिंग स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया और साथ ही साथ एक आवेदन पत्र तैयार कर समुदाय के साथ जाकर तहसील दिवस पर आवेदन दिया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर कार्यवाही होगी। मैं इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करती हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं शबनम, जनपद वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।